वेलकम टू समर्पिता रॉयस लाइफ स्टाइल। मैं हूँ समर्पिता एंड मैं आ चुकी हूँ थोड़ा सा यूनिक ब्लॉग लेके। इतना दिनों से आप रिसेप्शन एनिवर्सरी एंड वेडिंग ब्लॉग्स देख रहे थे, घूमने फिरने का देख रहे थे, पर आज का ब्लॉग होने वाला थोड़ा सा डिफरेंट। तो काफ़ी दिनों से दिमाग में था कि कुल्फ़ी खाना है, तो कुल्फ़ी खाना कैसे खाना है, कुल्फ़ी को बनाना तो मुझे भी नहीं आता है, पर मेरी बहन को मिल गया जोमेटो में रोलिस जो बहुत ही फेमस है कोलकाता में। एंड बचपन में नानी के साथ जाके हम लोग काफ़ी कुल्फ़ी और चाट और डोसास एंड यू नो छोला भटूरास खाते थे। तो वहाँ से आज मेरी बहन ने ऑर्डर दिया ये कुल्फ़ी, बहुत ही टेस्टी था एंड बचपन का याद आ गया खा के सीरियसली। तो शाम होते होते मम्मी ने बनाई थी दो तरह का सूजी, एक तो मसाला सूजी एंड जो मेरा बहुत फेवरेट है, एंड ये है मीठा सूजी जिसमें ढेर सारा नट्स होता है एंड यू नो किशमिश होता है एंड ढेर सारा बादाम से बनता है ये सूजी। पर अगर आप मुझे पूछोगे कि आपका फेवरेट कौन सा है, तो मुझे मसाला वाला चटपटा सूजी खाना बहुत पसंद है एंड मम्मी हर मंगलवार मेरे लिए बना देती है, क्योंकि आज मेरा मंगलवार था तो मेरे लिए सूजी बनाया गया था एंड मेरी बहन एंड मम्मी लोग खा रही थी आज एक बहुत ही टेस्टी सा लाइट सा चिकन सूप। तो मम्मी ने ये चिकन सूप बनाया था, ढेर सारा गाजर बीन्स और यू नो चिकन कॉर्न, एकदम लाइट वे में, ना कॉर्नफ्लावर डाला गया था ना कुछ, बस सिंपल वे में जस्ट पानी डाल के और नमक और ब्लैक पेपर डाल के जो जैसे सूप बनता है बस वही सूप बनाया गया था। तो सूजी खाया मैंने, फिर ब्लैक कॉफ़ी पिया, फिर कोको लोग भी था तो थोड़ा बहुत उन लोग का साथ भी हर खाना शेयर करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं देती हूँ बस थोड़ा सा ताकि उन्हें सुकून रहे कि यार बस हमसे छुप छुपा के नहीं खा रहा कोई भी चीज़। पर ऑफकोर्स चॉकलेट अदरक लहसुन प्याज टमाटर ये सब नहीं देती हूँ। तो अभी शाम से ना मैं सुन रही थी सिर्फ कि झगड़ा चल रहा है, घर में झगड़ा चल रहा है, बॉयल कॉर्न और एक पैकेट था उससे स्वास्तिका को बनाना था स्वीट कॉर्न फ्राई, जो बारबेक्यू नेशन में ना खाने का बाद से हम लोग का सबका फेवरेट बन गया, जितना बार खाते हैं ना उतना लगता है कि कम खा रहे हैं। एंड बारबेक्यू नेशन में आप बुक कर लोगे बट उसके बाद जब आप जाते हो ना आपको लगता है यार काश थोड़ा और खाते, तो ऐसा है। और ये वाला कॉर्न ना स्वास्तिका ने स्पेशली सीखा है हम लोग के लिए, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ बनाने, एक बार ऑलरेडी बना चुकी है पर उसमें खट्टा ज़्यादा दे दी थी, पर इस बार होपफुली अच्छा बन जाए एंड इस बार खट्टा सही रहे एंड सब चीज़ सही रहे, देखो क्या होता है अब। तो द शेफ फॉर टुडे क्रिस्पी कॉर्न इज स्वास्तिका एंड वेयर इज द ईटर, ईटर ओ ईटर भी तुम, शेफ भी तुम, टेस्टर भी। एंड ये है संजुक्ता, तो जैसे उठती है कुछ ना कुछ जो भी टेबल में रहता है वो मैडम टेस्ट करना स्टार्ट कर देती है, तो अभी वो इंतज़ार करती कब बनेगा ये कॉर्न एंड फिर वो खाना चालू करेगी। तो स्वास्तिका मिला रही थी, तो पहले बॉयल किया कॉर्न को नॉर्मल पानी में, उसके बाद कॉर्नफ्लावर लिया एक प्लेट में, उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला, ब्लैक पेपर डाला एंड नमक स्वाद अनुसार डाल के उसमें बॉयल कॉर्न को अच्छा से पानी से निकालने का बाद, थोड़ा ड्राई करने का बाद उसमें डाल दो और उसको अच्छा से मिला लो। अब वक्त था मेरा इसको फ्राई करने का। देखो मैं रोज़ खाना नहीं बनाती हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं है खाना बनाने का, बस कभी कभार बना लेती हूँ, जैसे कि कभी नूडल्स बना लिया, कभी थोड़ा बहुत जो चटपटा खाना होता है ना वो बनाने के लिए मैं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज़ खाना बनाती हूँ। तो अभी ये कॉर्न जो बस्ट करता है ना फट 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 फट, बहुत डर लगता है, अगर थोड़ा भी लग गया ना, ऑलरेडी लास्ट टाइम कुछ बना रही थी तो हाथ जल चुका है। तो फाइनली कॉर्न रेडी हो चुका था एंड आज सीरियसली बहुत टेस्टी था खाने में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।